देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का मीटर। अब तक 6872 बीमार, पिछले 24 घंटे में 678 नए मरीज। कोरोना से देश में अब तक 206 लोगों की मौत, अब तक 515 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर लौटे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 240 नए मामले सामने आए, 13 की मौत हुई, 1500 से ज्यादा कुल मरीज, अब तक 110 की हुई है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 451 केस, अब तक 36 ने गवाई जान। पंजाब में 100 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या, 8 लोग गवा चुके हैं अपनी जान। आज लॉकडाउन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर माथापच्ची करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना को लेकर ओडिशा के पास पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद। राजस्थान में लॉकडाउन पर अशोक गहलोत ने कल रात की हाई लेवल मीटिंग, टास्क फोर्स ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की। पंजाब सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन, लॉकडाउन से निकलने के विकल्पों की तलाश। पंजाब सरकार की बड़ी चेतावनी, कहा स्टेज 3 में पहुंच गया है कोरोना, शुरू हो गया है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देश में अब तक 1,60,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट, 6,800 से ज्यादा पॉजिटिव। लॉकडाउन के बाद ट्रेन सेवाओं पर रेलवे की सफाई, कहा अभी नहीं हुआ है कोई फैसला। मुंबई में विदेशी जमातियों को पकड़ने वाले एक इंस्पेक्टर कोरोना की चपेट में आए, अस्पताल में भर्ती। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल की 13 मस्जिदों से मिले 102 जमातियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई, 52 जमाती पॉजिटिव निकले। 6 अप्रैल को जमातियों को क्वारंटीन किया गया था चांदनी महल इलाके में, 3 दिन में कोरोना से 3 मौत, इलाके को किया गया सील। गुजरात के सूरत में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए मजदूर, हंगामा और आगजनी की। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे मजदूरों ने काटा बवाल, अपने घर वापस भेजे जाने की मांग की। सूरत के लस्काना इलाके में बेकाबू है मजदूर, पुलिस ने किसी तरह से समझाया। अहमदाबाद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर पथराव, लॉकडाउन के उन लोगों को रोकने पर आरोपियों ने हमला किया। वडोदरा में लॉकडाउन तोड़कर नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए 9 लोग गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक के टुमकुर में बीजेपी विधायक की बड़ी लापरवाही, जन्मदिन पर लोगों को बांटी बिरयानी, कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। झारखंड के जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भूले सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा, भीड़ जुटाकर लोगों को बांटे 10-10 रुपए। धनबाद में भी नियमों का उल्लंघन, सफाई कर्मचारियों को ट्रैक्टर में भरकर ड्यूटी के लिए भेजा जाता था। बिहार के लखीसराय में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर बरसी लाठियां, पुलिस ने दिखाई सख्ती। एमपी के झाबुआ में लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले युवक पर पुलिस की बर्बरता, 20 सड़क पर बुरी तरह से पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार के दावे फेल, अब तक सामने आए कोरोना के 903 मामले, 14 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली सरकार ने किया है ऑपरेशन शील्ड की सफलता का दावा, कहा सील वाले इलाकों में थम गया है संक्रमण। दिल्ली में जल्द शुरू होगी रैपिड टेस्टिंग, निजामुद्दीन सहित अब तक 4000 से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग। दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तीनों ही गलियों को किया गया पूरी तरह से सील। दिल्ली का नबी करीम थाना इलाके भी, आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव हॉटस्पॉट बने, इलाके को किया गया है सील। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 431 मामले, पूरे सूबे में 4 लोगों की जा चुकी है जान। यूपी में कोरोना संकट के बीच लगातार मजदूरों की मदद कर रही है सरकार, 11 लाख से ज्यादा लोगों को दिए गए हैं अब तक 1,000 रुपए। यूपी के पीलीभीत से बेहद दर्दनाक खबर, अस्पताल के बाहर एक महिला ने तोड़ा दम, डॉक्टर्स पर कोरोना के डर से इलाज नहीं करने का आरोप। इंदौर में लगातार दूसरे दिन कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हुई, 7 दिन से बीमार थे 65 साल के डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान। मंदसौर में नोट पर थूक लगा हुआ फेंकने की अफवाह के बाद एक शख्स की पिटाई, पुलिस ने बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त। अप्रैल महीने में आने वाले त्यौहार को देखते हुए केंद्र सरकार की सख्ती, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को परमिशन ना देने की राज्यों को निर्देश। गुजरात में बड़ा कोरोना का कहर, 70 नए मामले सामने आए, अब तक 378 लोग कोरोना की चपेट में। कांग्रेस की मांग, अमेरिका में भारतीयों की नौकरियों पर मंडराए खतरे पर मोदी सरकार, ट्रंप प्रशासन से बात करें। मुंबई में मातोश्री के पास कोरोना का खतरा नहीं है, सभी टेस्ट नेगेटिव आए, चाय वाले को कोरोना होने के बाद 200 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए थे।
राजस्थान में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर होगा एक्शन, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। एमपी के रीवा में डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाने के लिए पुलिस ने बढ़ाया कदम, अस्पताल के सामने चिकित्सकों के साथ मिलकर गाया गाना। एमपी के रायसेन में बाहर से आए दो लोगों को बिना जानकारी के शरण देने पर केस दर्ज, भोपाल से आए दो लोगों को दी थी पनाह। इंदौर में कोरोना को हराकर घर लौटे 12 लोगों का स्वागत किया गया, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ताली बजाकर किया अभिनंदन। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान ऑड इवन फॉर्मूला लागू, सिर्फ जरूरी सेवा में लगे लोगों को ही वाहनों को छूट दी जा रही है। राजस्थान में जोधपुर में लगाया गया कर्फ्यू, बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी। राजस्थान का पोखरण इलाका बना कोरोना का हॉटस्पॉट, अब तक 27 केस सामने आए। बिहार के सुपौल में फंसे पश्चिम बंगाल के दर्जनों मजदूर, सरकार से लगाई है घर भेजने की गुहार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक लॉज में पुलिस ने छापा मारा, छत पर नमाज पढ़ने वाले 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु के त्रिची में 26 साल के युवक ने कोरोना को दी मात, अस्पताल स्टाफ ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। यूपी के हरदोई में सैनिटाइजेशन के दौरान स्वास्थ्यकर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हुई, सफाई कर्मियों का आरोप जरूरी सुरक्षा उपकरण न होने से गई है जान। जयपुर में ड्रोन कैमरे ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, एक घर की छत पर जुआ खेलते हुए नजर आए थे युवक। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती, कई इलाकों में पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में लॉकडाउन की वजह से किसान परेशान, खेतों में ही बर्बाद हो रही हैं सब्जियां। असम के बोंगेगांव में जरूरतमंदों को थाने में दिया गया लंगर, जरूरी दवाओं के लिए फ्री होम डिलीवरी का नंबर जारी। चंडीगढ़ में कर्फ्यू के दौरान जब्त किए गए वाहनों को रखने के लिए नहीं मिल रही है जगह, गाड़ियों की चाबियां ढूंढना भी मुश्किल। ईटानगर में एक गांव के लिए वरदान साबित हुआ लॉकडाउन, सिलिकॉन फैक्ट्री बंद होने से घटा है प्रदूषण। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अस्पताल में लगा सैनिटाइजेशन टनल, हरेक आने जाने वालों को करना होगा सैनिटाइज। हापुड़ में एक शख्स का अजीबोगरीब कारनामा, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पेड़ पर बनाया है अपना आशियाना। सिलीगुड़ी में एक लॉकडाउन के बीच हाथियों ने सड़क पर जमाया कब्जा, वन विभाग ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। जम्मू में महिलाओं ने संभाला मोर्चा, लाठी लेकर गांव की सीमा पर की पहरेदारी, बाहरी लोगों को आने से रोका। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों से एनकाउंटर, ना सीआरपीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत ने दिया करारा जवाब, पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह। करारा जवाब मिलने के बाद भी पाकिस्तान की हिमाकत, का कल रात पुंछ में की फायरिंग, लगा तार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। पुंछ के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया। बिहार के बक्सर में डॉक्टर्स की टीम पर गांव में हमला, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कोरोना से बचने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सीमा सील, बिना स्क्रीनिंग के किसी भी जिले में एंट्री नहीं। बिहार के कटिहार में पुलिस की टीम पर पथराव, लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचना पर गई थी पुलिस, दो आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में जुटी लोगों की भीड़। बिहार के जहानाबाद में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, 3 साल के बच्चे को वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने से मासूम की मौत हुई। ओडिशा में कोरोना के 35 मरीज, अब तक 10 ठीक हुए। झारखंड में कोरोना के 14 मरीज, अब तक 1681 को का टेस्ट किया जा चुका है। चेन्नई में कोरोना के संदिग्ध मरीजों ने अस्पताल में की खुदकुशी, तनाव में जान देने की आशंका, मरीज की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। अगरतला में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स का जवान कोरोना की चपेट में आया, क्वारंटीन में भेजा गया। त्रिपुरा में लॉकडाउन के दौरान बीएसएफ ने बढ़ाया मदद का हाथ, बॉर्डर के पास गांव में बांटे जा रहे हैं मास्क और राशन। पुणे में भीषण हादसा, एक दुकान में रखे 7 सिलेंडर फटे, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के 12 में खेतों में लगी आग, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हुई। एमपी के खरगोन में भी किसानों का नुकसान, खेत में लगी आग, 150 क्विंटल गेहूं की फसल खाक हुई।
फेसबुक पर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुंछ में 11 लोगों को क्वारंटीन सेंटर से घर भेजा गया, सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हेमकुंड साहिब यात्रा पर भी मंडराया कोरोना का संकट, अब तक शुरू नहीं हुई है यात्रा की तैयारी। लॉकडाउन में राजस्थान के किशनगढ़ में जैन समाज ने पेश किया अनोखी मिसाल, उद्योगपति अशोक पाटनी ने मां के निधन पर नीरज जैन के जिनवाड़ी चैनल पर श्रद्धांजलि सभा का ऑनलाइन आयोजन किया। 5 कारों से महाबलेश्वर घूमने गए बाधवान परिवार पर कसा है ईडी का शिकंजा, DHFL प्रमोटर की सभी कारें जब्त करेगा ईडी। मालदीव ने भारत को बताया है सच्चा दोस्त, दवा भेजने की मंजूरी पर भारत सरकार को कहा शुक्रिया। अमेरिका में अब तक 1.68 करोड़ लोगों की नौकरी गई, भारत में 40 करोड़ रोजगार पर मंडराया है खतरा। दुनिया भर में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौत, 209 देशों में 16 लाख से ज्यादा लोग वायरस का संक्रमण के शिकार हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में कोरोना से 1 लाख से कम मरने की है आशंका। अमेरिका में कोरोना से 16,675 लोगों की मौत हुई, अब तक 4,70,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क में घटी कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार, लेकिन कम नहीं हो रहे हैं मौत के आंकड़े। WHO ने लॉकडाउन को लेकर दुनिया को चेताया, कहा प्रतिबंध हटाने से बढ़ सकता है खतरा। इटली में 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब तक 18,000 से ज्यादा मौत, 1,43,000 लोग बीमार। संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है स्पेन, 1,53,000 लोग बीमार, 15,970 मरीजों की मौत। जर्मनी में 1,18,000 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, लेकिन 2,500 पर है मौत का आंकड़ा। फ्रांस में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 87,000 लोगों को जानलेवा वायरस ने बनाया है शिकार। ब्रिटेन में करीब 9,000 लोगों की गई है जान, 65,000 से ज्यादा लोगों को में मौजूद है वायरस का संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।